आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनिग्मा एजुकेशन में। और हम देख रहे हैं इस सीरीज में केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्लास टेंथ की, क्लास टेंथ सीबीएसई 2020 और 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों भाई, मतलब क्यों। तो देखिए इनको बताना है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसा क्यों है। तो आइए ऐसा देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंडक्टर जो अच्छा है वो कौन सा है। तो इन विच कंपाउंड हैविंग, एक काम कीजिए डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। वो कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। क्यों क्यों फ्लो कराते हैं, क्योंकि उनके पास या तो कैटायन होता है या तो उनके पास क्या होता है, एनायन होता है। तो या तो आपके पास धनावेश होना चाहिए या तो आपके पास ऋणावेश होना चाहिए, तभी उसमें विद्युत का क्या होगा, प्रवाह होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिखेंगे कि कार्बनिक कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड बाय शेयरिंग एंड कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर भाई ये शेयरिंग से बने हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है तो फिर वो कभी भी आयन और कैटायन के फॉर्म में आएगा नहीं, जब कैटायन और एनायन के फॉर्म में आएगा नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो क्यों कराएगा। इसलिए जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिकॉज दे हैव शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी केवल उनमें बहती है जिनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होते हैं या जिनके पास आयन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वाले बॉन्ड भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड है वो भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। जब वो सॉल्यूशन स्टेट में होंगे तभी वो अपने अंदर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे, अदरवाइज वो भी फ्लो नहीं कराते, ठीक है।